डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, और इसको मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का प्राइमरी गोल क्या है, इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट एरर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया था वो प्रोडक्ट क्लाइंट को हमने डिलीवर कर दिया है, जो क्लाइंट था उसने वो प्रोडक्ट यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब उसके बाद हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और मेंटेनेंस के अंदर क्या आ जाता है जी, आपको जो प्रोडक्ट था उसको रेगुलर बेसिस पे मॉडिफाई, अपडेशंस, उसके अंदर जो भी एरर्स वगैरह बग्स आ रहे हैं उनको करेक्ट करो, परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, मतलब उसको ऑप्टिमाइज करो। देखो, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने सोसाइटी में नया घर लिया, हमने रिसेंटली अभी घर लिया, तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी फैसिलिटीज उन्होंने हमें दी। उसमें क्लब की फैसिलिटी दी उन्होंने, जिम की फैसिलिटी दी। घर की बात करें तो उसमें बहुत सारा लकड़ी का काम हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वहां पे लगी हुई हैं, सैनिटरी का वहां पे बहुत सारी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो इन सारी चीजों का हमने पेमेंट कर दी है, हमने पूरी सारी चीजों की पेमेंट उनको कर दी है। अब करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट हमें दे दिया, मतलब उन्होंने घर की चाबी हमें दे दी, हम उसको यूज करना स्टार्ट कर दे। अब उसके बाद क्या है कि लेट्स से 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मेरे को लगता है कि यार यहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है, मतलब कोई स्विच खराब हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में हम लोग मेंटेनेंस ऑफिस में फोन करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर फोन करते हैं। कोई लकड़ी का काम करवाना है छोटा मोटा तो मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर फोन करते हैं। सैनिटरी का कोई छोटा मोटा काम करवाना है या ठीक करवानी है, ऑलरेडी कोई चीज लगी हुई है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करवाना है, तो क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफिस को फोन करेंगे। वो वहां से बंदा आएगा, प्लंबर आएगा, या फिर वहां से कोई भी, मतलब जो भी टेक्नीशियन है वो आके उस चीज को ठीक करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट उसने बना के दे दिया। भैया, ये काम सिर्फ उसका नहीं है, उसका काम है एक और सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडर। मतलब जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको मेंटेनेंस की भी सर्विस प्रोवाइड करे, ताकि जब आप सिस्टम को यूज करना स्टार्ट कर दो तो एकदम से आप सारी चीजों के हैबिचुअल नहीं होते, आपको थोड़ा टाइम लगता है उन चीजों को समझने में, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे हेल्प करेगा। अगर आपको ट्रेनिंग दिलवानी है अपने जो इंप्लॉइज को, तो वो ट्रेनिंग भी दिलवाएगा ताकि आपको पता लगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, वो सारी चीजें जो है वो मेंटेनेंस के अंदर आ जाती है। तो मेंटेनेंस जो है उसके अंदर कई बार स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारे दिमाग में यही रहता है कि मेंटेनेंस कौन सा स्टेप है यार, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे को तो लगता नहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस पूरे डायग्राम को, यहाँ पे पाई चार्ट से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मेंटेनेंस की कितनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो, मेंटेनेंस जो है 67%, मतलब SDLC के जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे आप रिक्वायरमेंट, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिजाइन सारी बात कर लो, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज देख लो जी, आपके सामने 67% मेंटेनेंस की है। बाकी कोई 15%, कोई 7%, कोई, हमें लगता है कोडिंग सबसे बड़ा टास्क है जी भैया, वो देख लो आप, एक इंप्लीमेंटेशन 7%, हमें लगता है टेस्टिंग सबसे बड़ा टास्क है तो देख लो टेस्टिंग 15%, मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको बता दूं कि मेंटेनेंस के अंदर जो है, जैसे आपके पास मेजरली ये 4 स्टेप्स आते हैं। पहला, एरर करेक्शंस। मैक्सिमम टाइम तो हमारे दिमाग में यही होता है कि जब भी कोई एरर आएगी तो करेक्ट करना मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इसके अलावा और भी काम है, जैसे डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटी। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने सिस्टम बनाया, आपने लेके चला अपने दिमाग में कि यार ये सिस्टम जो है वो 10 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाला, 10 साल तक तो मार्केट में आराम से टिक के काम करेगा, लेकिन होगा क्या, 3 साल के बाद, अब देखो टेक्नोलॉजी तो डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, 3 साल के बाद टेक्नोलॉजी टोटली चेंज हो गई और आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो गया, मतलब मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे नोकिया के साथ हुआ, नोकिया का प्रोडक्ट जो है एक टाइम पे बूम पे था, मतलब सब लोगों के पास फोन ही नोकिया का था, ऐसे रखते थे फोन मतलब नोकिया, ठीक है, ये नहीं पूछते थे तेरे पास फोन है, तेरे पास नोकिया का कौन सा मॉडल है, ऐसे पूछते थे। और अब देख लो जी, उसका नामो निशानी खत्म कर दिया। तो देखा जाए तो ये चीजें भी मेंटेनेंस के अंदर आती हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। देन एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज,
आज आपने प्रोडक्ट बना के दिया, उसमें आपने बोला कि यार 1,00,000 यूजर्स का डेटा मैनेज कर सकते हो, 1,00,000 रिक्वेस्ट को ये मैनेज कर सकता है, लेट से 2 साल बाद 1,00,000 से 10,00,000 हो गए। ऑब्वियसली हर एक कंपनी चाहती है कि मेरी रीच जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, मेरी रीच जो है आज अगर 1,00,000 लोगों तक है तो कल 10,00,000 तक हो, फिर 1 करोड़ तक हो। हर एक कंपनी जो है वो यूजर्स को बढ़ाने में लगी है, यूजर्स को टारगेट कर रही है, तो ऑब्वियसली आपकी कैपेबिलिटीज इतनी होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो उसका भी काम जो है वो मेंटेनेंस का। ऑप्टिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, वो टास्क अगर लेट से 5 सेकंड ले रहा है, तो ऐसा ना हो कि 1 साल बाद भी 5 सेकंड ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर आएंगे जो 5 सेकंड को सेम काम को अपने सॉफ्टवेयर से 1 सेकंड में कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट यूज ही कौन करेगा। तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग भी प्रॉपरली चलता रहे, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज हो, उसकी स्पीड, सारी चीजें जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से काम करे। तो ये सारे काम, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, मेंटेनेंस का बहुत बड़ा काम यहां पे आ जाता है। देन अगर हम बात करें यहां पे टाइप्स की, तो टाइप्स में हमारे पास आ जाता है करेक्टिव, एडेप्टिव, प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव। मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है, स्टूडेंट क्या, लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मेंटेनेंस का काम तो ये है कि जो बग्स आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना, बट गाइज उसको ठीक करना भी एक काम है, लेकिन वो काम सिर्फ और सिर्फ 20% है, अराउंड 20 या 21% आप बोल सकते हो कि पूरे कामों में से इतना प्रपोर्शन है सिर्फ चीजों को ठीक करना। मैक्सिमम जो काम है वो क्या है, परफेक्टिव। परफेक्टिव जो है वो अराउंड 50% है, मतलब कहने का कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर डेली बेसिस पे करना है, और परफेक्ट वहां पे बनाना है, चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, परफॉर्मेंस को और बढ़िया बढ़िया करना है, ताकि मार्केट में आप बने रहो, ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए, खत्म ही हो जाए और मार्केट में कोई और कैप्चर कर ले आपकी चीज को। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो करेक्टिव में वही आ जाता है कि चीजों को ठीक करना, प्रॉब्लम आ गई तो फटाफट से ठीक करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रिवेंटिव की बात करें तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि प्रिवेंट चीजों को होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें दिख रही है कि यार ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं है बट इन केस फ्यूचर में आ सकती है, तो हमने उसको पहले, जैसे फायर एक्सटिंग्विश वो लगा दिए, मतलब फ्लैट्स के अंदर, जो घरों के अंदर फायर एक्सटिंग्विश बाहर लगा दिए, उसका मतलब क्या है, देखो आज तो नहीं है फायर, ऐसा तो नहीं कि रोज वहां पे हो रही है, लेकिन इन केस कभी ऐसा होता है सीन, तो आपके पास पहले ही प्रिवेंटिव एक्शंस उसके लिए होने चाहिए, मतलब ये एक तरह से प्रोएक्टिव सर्विसेज है, प्रोएक्टिव चीजें होने से पहले ही प्रोएक्टिव। ये होती है रिएक्टिव, मतलब जब चीज हो गई, जब प्रॉब्लम आ गई, अब आपके पास क्या सोल्यूशन है, दैट इज करेक्टिव, और चीजों को पहले ही प्रोएक्टिवली करना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, ठीक है। परफेक्टिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भैया परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, चीजों को ऑप्टिमाइज करना, दैट इज व्हाट परफेक्टिव। और एडेप्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म, लेट से आज कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, लेट से कल को वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तो ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट गया, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इसमें आपके पास वह भी आ जाता है, जैसे आज के टाइम पे AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडेप्टिव होना चाहिए, तो चीजें जो है वो आपको वैसी ही बनानी पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है वो मेंटेनेंस में आते हैं, मतलब प्रोडक्ट आपका यूज हो रहा है, कंपनी प्रोडक्ट को यूज कर रही है, जो कस्टमर है वो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे एक मेंटेनेंस टीम बैठी है जो उस चीज को बहुत ही डेली बेसिस पे ठीक करने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो अकर ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। थैंक यू।